सबसे पहले सभी को नमस्कार। आप जानते होंगे मेरा नाम सुभाष है, आप देख रहे हैं YouTube का डिवाइन परिवार चैनल को। मैं हाजिर हूँ फिर से एक नई वीडियो कंटेंट के साथ में। आज के इस वीडियो में हम बहुत ऐसी बातें करने वाले हैं जिसकी रिक्वेस्ट आप आज से नहीं बहुत टाइम से करते थे। तो कुछ एक नए प्रेजेंटेशन के साथ में मैं आपके साथ में हाजिर हूँ। और यूँ कहूँ कि आज मैं शाम को लाइव करने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ इरर्स थे, कुछ दिक्कत थी, उसकी वजह से मैं लाइव नहीं कर पाया। आई एम सो सॉरी। कुछ लोगों को नोटिफिकेशन भी पहुंच गई होगी क्योंकि हमने लाइव तक का डाल दिया था एक कम्युनिटी पोस्ट में। बट नाउ वी आर रेडी टू कि जो भी आज हम लाइव में शेयर करने वाले थे वो अभी शेयर करने के लिए तैयार हैं। तो आज हम बात कैसे करेंगे, आपने टाइटल या थंबनेल देख कर तो देख लिया होगा कि एक वर्कशॉप की तरह रहेगा, एक डिटेलाइट वीडियो रहेगा कि कैसे करके अपने जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड रहता है उसको रीप्रोग्राम कैसे करेंगे। और उसके बारे में एक छोटे से छोटा जो भी एक्सपेक्ट होगा सब कुछ डिटेलाइट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज तक आपको कहीं पे भी ऐसा इतनी डिटेलाइट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होगी, बहुत तरह के ज्ञान मिला होगा, बट आज मैं प्रेजेंटेशन के साथ में आपको समझाऊंगा बहुत बारीकी के साथ में। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हो तो अभी लाइक कर लीजिए, और जो भी आप अपना प्यार हमें देते हो, हमें सपोर्ट करते हैं, उसको इसी तरह से बनाए रखें और मैं आपके लिए मेहनत करता रहूँगा। सबकॉन्शियस माइंड क्या है, क्यों है, कैसे है, ये रीप्रोग्राम करना क्यों ज़रूरी है, ये अभी भी प्रोग्राम हो रहा है वो कैसे हम समझेंगे, ये पास्ट में रीप्रोग्राम कैसे हुआ था और उसकी वजह से आज हमें क्या क्या दिक्कतें झेलनी पड़ रही, हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं स्लाइड बाई स्लाइड। ये पूरा वीडियो कॉन्टेंट पहले हमने कॉन्सेप्ट इसका तैयार करके रखा हुआ कि आज मैं क्या क्या आपको समझाऊंगा ताकि हम ईजिली नाइसली इसको अपने मन में बैठा सकें, ताकि आपको पता चल सके कि आखिरकार सबकॉन्शियस माइंड है क्या और इसकी विशेषताएं क्या है। तो फैक्ट भी बताएंगे कुछ, बीच बीच में डिस्कस करेंगे और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सब कुछ आज बात करने वाले हैं। आई होप कि मैं ऑडिबल होऊंगा आप बता दीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है मैं एक सॉफ्टवेयर के थ्रू शूट कर रहा हूँ तो इस वजह से मैं श्योर नहीं हूँ, बट स्टिल होपफुली ये काम कर रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है उसको देख लीजिए। जी जैसे कि आपने देखा होगा हाउ टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डिवाइनेंस। डिवाइनेंस क्या है पहले इसके बारे में जान लो। ये डिवाइनेंस हमारा ही एक दूसरा चैनल है, या यूं कहूँ कि फ्यूचर में हम जो भी करने वाले हैं और डिवाइन अंश के नाम से ही होगा, और ये हमारा प्राइमरी है। और जबकि डिवाइन परिवार आपको बड़ा परिवार दिख रहा होगा, बट स्टिल सब कुछ हम मिलकर एक ही हैं। तो जैसे मैंने बताया पहले कि हाउ टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड, देखिए प्रोग्राम तो हो चुका है लेकिन रीप्रोग्राम कैसे करना है, क्योंकि आपने देखा होगा अधिकतर लोगों के लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कतें लगी रहती हैं। तो उन दिक्कतों की एक मेन वजह क्या रहती है आज हम डिस्कस करेंगे। हमें लगता है कि जब कोई बीमार होता है, इंसान कोई बीमारी के कारण में स्वस्थ नहीं रहता, तो उसके पीछे हमारा गलत खाना होगा या कुछ ऐसी दिक्कतें होंगी कि मौसम चेंज हो रहा है उसके वजह से कुछ दिक्कत हो जाए, बट ऐसा नहीं होता। इसके पीछे जो 95% चांस रहता है वो रहता है कि हमारी रीप्रोग्रामिंग कैसी है। रीप्रोग्रामिंग का मतलब है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे थॉट कैसे हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं जानता कि आप अच्छा सोच रहे हो या गलत सोच रहे हो, आप जैसा सोचते हो वो वैसे ही करके देता है। तो इस वजह से आज हम इस पर बात करेंगे। तो कैसे इसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं, जो पहले एरर है उसको कैसे मिटा सकते हैं, डिटेलाइट करके हम डिस्कस करेंगे जैसा मैंने पहले बताया। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जी तो क्वेश्चन मार्क का चिन्ह तो है ही है। आपको बहुत सारी चीजें आज जानने को मिलेंगी, देखते रहिए। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, आपके मन में भी आएगा, सबके मन में आएगा कि आखिरकार व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड है क्या। इसका तो पता लगना चाहिए कि सबकॉन्शियस माइंड है क्या। अगर इसका पता लगेगा तो हम कुछ जाने। तो जैसा आपने देखा होगा आखिरकार, अगर आप हमारे वीडियो कॉन्टेंट से या हमारे चैनल से जुड़े हो तो आपको ये तो पक्का आइडिया होगा कि सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है। तो
तो सबकॉन्शियस माइंड देखिए एक ऑटो पायलट के रूप में काम करता है, यानी कि कोई पीछे से है जो आपको सपोर्ट करता है और वो सपोर्ट उसी वे में करता है जो आप उसको जिस तरह की एनर्जी देते हो, जिस तरह के थॉट देते हो। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप जो सोचते हो ना, मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, कि वो सब 5% में आता है। सारी दुनिया, दीन दुनिया जितना आप सबको जानते हो, 5% में आता है। 95% ऐसा पार्ट है जिससे आप अवेयर ही नहीं हो, जिसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर ही नहीं है, और जो चीज़ें आप कर रहे हो उस 5% के कारण वो 95% का जो एक पावरफुल चीज़ है वो डिस्टर्ब होती है। उसी के हिसाब से सारी चीज़ें खराब होती हैं। कैसे होंगी सब कुछ आज डिस्कस करेंगे आगे, तो चलो आगे बढ़ते हैं। जी, तो इसको एक स्लाइड को फिर से देख लेते हैं कि हाउ डज ओल्ड प्रोग्रामिंग अफेक्ट यू, यानी कि जो पहले से प्रोग्रामिंग का मतलब समझ लेते हैं। पहले आपने देखा होगा कि जब हम बचपन में होते हैं, जब हम छोटे अवस्था में होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे एक ऐसी स्टेज रहती है, हम बिल्कुल साफ सुथरे, बोलते हैं ना, भगवान का रूप होते हैं, हमारे अंदर कोई मिलावट नहीं होती, कुछ नहीं होता। और जैसे जैसे सिचुएशन होती है हमें मिलावट मिलती चली जाती है। वो मिलावट कहाँ से मिलती है, हमारे पेरेंट्स से मिलती है, और जो हमारे करीबी रहते हैं उनसे मिलती है, यार दोस्त बन जाते हैं उनसे मिल जाती है। तो सभी की कोई ना कोई लेयर्स, कुछ ना कुछ चीज़ें हमें मिल जाती हैं। पहले हम ये नहीं जानते कि हिंदी क्या है, इंग्लिश क्या है, कौन सी भाषा कैसी है, हम ये नहीं जानते कि कौन सी चेयर है, कौन सी टेबल है, कौन सा लैपटॉप है, कुछ भी नहीं पता। हम एक कोरे कागज़ की तरह होते हैं, जैसे किसी ने एक A4 साइज का कोई एक क्लीन पेपर लिया उसके हिसाब से। अब आप देखो इस इमेज में देख रहे होंगे ना, तो इस इमेज का एक मिनट में आपको ये भी एक ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये जो इमेज आप देख रहे हो, इसमें कितनी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये सिर्फ आपको एक दिखाने के लिए चीज़ें हैं और बाकी कुछ भी नहीं है, ताकि आप समझ सको। अब मैं फिर से एक बार आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर हैबिट है, यहाँ पर फीलिंग है, फिर हैबिट, थॉट, ऑब्जर्वेशन, बिलीव्स, सेंसेशन, फीलिंग्स, मीनिंग, ये वो सब कुछ कारा कचरा। पहले हम क्या होते हैं, बिल्कुल ये जो ब्लैक पार्ट है ना, इसको आप सोचो कि एक पेपर है, सिर्फ इतनी सी अवस्था होती है। लेकिन धीरे 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 करके शायद वीडियो फंस गया, सिस्टम हैंग कर रहा है मेरा जी। तो धीरे धीरे करके हमारी अवस्था क्या है, एक मिलावटी हो जाती है, यानी कि जैसे हम अपने पेरेंट्स की भाषा में बोलते ना कि हमारा बच्चा सियाना हो चुका है, अब समझदार हो चुका है। तो उस कंडीशन में सारी चीज़ें उनको तो अच्छी लगती हैं, लेकिन उस बच्चे के साथ में क्या होता है, वो गड़बड़ हो जाती है, वो बच्चे की जो प्रोग्रामिंग होती है वो स्ट्रेसफुल हो जाती है, वो इस तरह के उसके बिलीफ सिस्टम बन जाता है, उसकी हैबिट ऐसे बन जाएगी, उसकी स्ट्रॉन्गनेस इतनी कम हो जाएगी कि हम समझ नहीं सकते। आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे सुसाइड क्यों कर लेते हैं, बहुत से बच्चे किसी न किसी चीज़ में कैसे क्यों हो जाते हैं, कि उनको समझ में ही नहीं आता कि चीज़ें कहाँ पर अच्छी हैं कहाँ पर गलत हैं, वो अंतर ही पैदा नहीं कर पाते। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों के ऊपर इतना दबाव दे दिया जाता है पढ़ाई की वजह से। हम आप सब अपने आप से रिलेट कर सकते हैं कि इतने इतने भारी तो हमारे बैग बजते रहते थे, और जबकि आज आप देखते हैं कि जो हमारा 10th में पढ़ाया जाता था, टेन टीता कोस टीता पता नहीं क्या क्या चीज़ हमने पढ़ी है, क्या यूज है, कुछ भी यूज नहीं है। तो वो जो एक स्ट्रेस रहता है, वो जो सारी चीज़ें रहती है, उस वजह से आज हम इस काबिल हो जाते हैं कि इतने मिलावटी बन जाते हैं कि आज हम आगे कुछ भी नहीं कर पाते। और इसकी वजह से, अपने रीप्रोग्रामिंग की वजह से, जो हमने पहले कर चुके हैं वो बहुत कुछ हम करते हैं, जो प्रोग्रामिंग हमारी पेरेंट्स के द्वारा, कल्चर के द्वारा, बिलीफ सिस्टम के द्वारा, और जो हमारे रिलीजन है उसके द्वारा, हम सबसे अलग हो जाते हैं। जो एक अपनी एक कोरा चिट्ठा इस बार ने हमें प्रदान करा था, उसमें इतने तरह के रंग भर देंगे जो दुखों का कारण बन जाता है, और उसी से हमारे एक दुख से दूसरा दुख, दूसरे दुख से अगला दुख बनता चला जाता है। तो चलिए आगे बात करते हैं। जी देखो, एक सेकंड, मैं पीछे से करता हूँ फिर से। यहाँ पे दो माइंड है, इन माइंड में क्या है, आप डिफरेंस करने की कोशिश करो। एक तरफ ग्रीन है, एक तरफ वाइट है, एक तरफ इधर ब्लू है। तो देखिए, इन तीनों को आप इस तरह से समझ सकते हो, एक तरफ तो कलर भरे हुए हैं
और एक तरफ क्या है, सिर्फ वाइट है, उधर भी माइंड है इधर भी माइंड है। तो इसको आप कई तरह से समझ सकते हो, जिसने भी पिक्चर बनाई होगी वो कॉन्टेक्स्ट अलग होगा, लेकिन मैं अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझा रहा हूँ ताकि आपको क्लियरिटी आ सके। यहाँ पे एक पर्सन के माइंड में सिर्फ इतनी सारी चीज़ें भरी हुई हैं कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा वो करे तो करे क्या, सिर्फ गुणा भाग गणित ये सब कुछ, इधर उधर का स्ट्रेस फालतू की सारी चीज़ें भरी हुई हैं, और इधर एक देखो कलरफुल है, जिसे बोलते हैं हम हेल्दी वे में बोल सकते हैं क्या, इसकी प्रोग्रामिंग अच्छे से हुई है। इसकी प्रोग्रामिंग कुछ कुछ जगह कुछ के हिसाब से हो रखी है, जैसे आप समझ सकते हो कि उस पर्सन को सिर्फ एक ही चीज समझ आती है ये काम करना, बाकी चीजों से वो हट चुका है, और इस यही आगे वो कारण बन जाता है दुख का स्ट्रेस का, और उसको कुछ दूसरी चीजें समझ में नहीं आती। तो इस हिसाब से जो हमारी प्रोग्रामिंग होती है उसको हमें चेंज करने की जरूरत होती है। अब ये बहुत अच्छी बात थी क्या है कि प्रोग्रामिंग इज स्टिल ऑन एंड गोइंग ऑन। आप समझ रहे हो इस बात को, जो प्रोग्रामिंग है यानी कि प्रोग्रामिंग का क्या मतलब है, हम आज भी मिलावटी चीजों को कर रहे हैं। मिलावट से आप इसको नेगेटिव मत लेके चलो, मतलब जो भी चीजें चल रही हैं वो आज भी हम सीख ही रहे हैं। अभी आप सुबह उठे होंगे, अभी मैं शाम को ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो जब सुबह आप उठे होंगे आपने बहुत सारी चीजें नहीं देखी होंगी जो पहले नहीं देखी होंगी, या रिपीटेडली कुछ ना कुछ सुना होगा जो पहले आपने नहीं सुना होगा, या सुना हुआ भी सुना होगा। तो क्या है, आपके माइंड के अंदर वो सारे थॉट्स, वो सारे जो भी भाव हैं, विचार हैं, फीलिंग्स हैं, वो जा रही है, तो उससे क्या है आपकी प्रोग्रामिंग बनती जा रही है। आप इस पिक्चर पे देखोगे आपको बहुत सारे वायर तार इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या है, ये लेयर्स हैं। लेयर्स को आप कैसे समझोगे, कुछ ना कुछ ऑन गोइंग है, आप समेट रहे हो, ले रहे हो, और उसी से प्रोसेस बनता चला जाता है कि आपकी जो प्रोग्रामिंग है वो स्टिल गोइंग ऑन है और चल रही है। आप इसको इस हिसाब से समझ सकते हो। अभी हम ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं कि ये सही है या गलत है, लेकिन हाँ ये स्टिल ऑन गोइंग है जी। अब आगे आते हैं, सो नाउ वी आर रेडी टू रीप्रोग्राम, या वी आर रेडी टू रीप्रोग्रामिंग। अब आपको ये सारी चीजें देखनी, बीच बीच में अगर मैं चुप हो रहा हूं तो उसको आप ऐसा मत सोचिएगा, ये एक पिक्चर लगाई है हमने ताकि आप हंस सको, और हंस के आप, मैं ये पिक्चर क्यों लगाई उसके पीछे की भी आपको एक वजह बता देता हूँ कि देखो आप कुछ पॉजिटिव सोचो, अभी समझ में भी नहीं आ रहा होगा सब, जब पॉजिटिव को कहेंगे तो आपका माइंड सीधा निगेटिव की तरफ भागेगा, वहां पे आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। तो मैंने ये पिक्चर लगाई ताकि आपके अंदर एक भाव आ सके एक हंसने का। यहाँ पे वीडियो शॉर्ट है इस वजह से मैं इसको प्ले नहीं कर रहा हूँ, बस रोक कर दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ सको। तो एक भाव है कि आपके अंदर एक इस तरह के भाव प्रकट हो जाएं कि हंस रहे हैं, फनी टाइप, तो उससे क्या आपके जो हार्मोन्स रिलीज होंगे वो इसी तरह के होंगे, आप पॉजिटिविटी से भर जाओगे। आप सोच के देखो, कुछ पॉजिटिव न्यूज हो, कुछ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन हो, कुछ हंसना हो, कुछ भी हो, उससे आपको कितना अच्छा लगता है। आप इसको शायद मेरे समझाने से अच्छा आप फील करके देख सकते हो कि मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, और वो फीलिंग आपको बताएगी कि आपकी प्रोग्रामिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, और ये अगर राइट तरह से होगी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इतना मुझे पता है, एक आप डेटा उठा के देख लो, कुछ भी जितना 95% हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उतने 95% लोगों को सबकॉन्शियस माइंड का भी नहीं पता कि ये होता है क्या। सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं इस पृथ्वी पर जिसको पता है कि ऐसी भी कोई चीज़ है, वरना वो अपना जीवन बसर सिर्फ ये मायावी दुनिया में इसी तरह से लगे हैं, लगते जाएंगे, और अपने वेलनेस का उनका कोई भी मतलब नहीं है। सो जैसा मैंने बताया, नाउ वी आर रेडी टू लर्न हाउ टू रीप्रोग्राम आर कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। तो अभी हम इसके लिए तैयार हैं, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बहुत सारे स्टेप होंगे, इस स्टेप के हिसाब से आपको पता चलेगा कि कहाँ पर कैसे मैटर होता है और कैसे कैसे कर सकते हैं। मैंने कुछ चुनिंदा स्टेप जो आपके लिए इनिशियली बेनिफिट दिखा सकते हैं, आपको दिखा सकते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड कितना बेनिफिशियल है। चलो अभी सबसे पहला जो एक मेरा पॉइंट है कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी, वो है एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, यानी कि आप जहां पे भी रह रहे हो वो आपको चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं। मैं यहाँ पर रोक दे रहा हूँ, ये छोटा है,
इसके बीच में टाइम देना चाहिए था, लेकिन चलो अभी इनिशियली मैं इस तरह से आपको फर्स्ट वीडियो में समझा रहा हूँ, आगे और भी बेहतर क्वालिटी के साथ पाएंगे। तो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस का क्या मतलब है यहाँ पर? देखिए एनवायरमेंटल से मतलब है कि आपके घर पर जहाँ आप रहते हो वहाँ का एनवायरमेंट कैसा है। अब वहाँ का एनवायरमेंट यहाँ पर सिर्फ बाग बगीचों से नहीं है, आप इस चीज़ को क्लियर करके रखो, उससे मतलब है कि आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो मिलने वाले हैं, वो सारे लोग कैसे हैं, वो क्या पॉजिटिव हैं, क्या निगेटिव बात करते हैं, क्या सिर्फ आपके खिलाफ बात करते हैं, कैसे बात करते हैं, तो उन सारी चीज़ों पर आज हम यहाँ पर बात करेंगे। इसमें आगे मैंने और पिक्चर भी दी है ताकि आप अच्छे से समझ सको। फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, हमारे भाई भी होते हैं, बहन भी होते हैं, पेरेंट्स, माता पिता, दादी दादी, सबका अपना अपना एक इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस होता है, लेकिन उसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्या देखोगे, सबका निगेटिव होता है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे महानुभव होते हैं जो एक पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं और उसी के हिसाब से आपको गाइड भी करते हैं, लेकिन उसके अपार्ट ऑफ दैट मोस्टली पीपल आपको क्या करते हैं कि जो एक गलत है निगेटिव थॉट प्रोसेस के हिसाब से रिप्रोग्रामिंग करते जाएंगे, प्रोग्रामिंग आपके अंदर डालते जाएंगे, मिलावट करते जाएंगे कि नहीं नहीं आपने देखा ऐसा होता है, हमने जिंदगी जी है, हमने इतना एक्सपीरियंस करा है, ये बाल हमने सफ़ेद ऐसे नहीं करे, तो इस तरह के आपके अंदर जो बहुत सारे थॉट्स हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। तो आगे पिक्चर में मैं आपको दिखाऊंगा। जी सो ये है हमारा टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी कि कितने प्रकार से हम इन्फ्लुएंस होते हैं, कितने लोग हमें करते हैं। एक मैंने यहाँ पे बेसिक सा एग्जांपल दिया। तो देखो पेरेंट्स है, जैसे मैंने अभी बताया पेरेंटल है, एक्सपीरियंस है, पीयर इन्फ्लुएंस है, कल्चर है, जेंडर है। देखिए हर चीज़ ही मैटर करती है। आपको एक मज़े की बात ही बताऊंगा, मैंने बहुत पहले ये आपके साथ में शेयर करी थी। क्या था कि देखो एक बच्चे को पेरेंट्स तो सिखाते ही, बच्चा कहाँ से सीखता, सबसे ज़्यादा टाइम किसके साथ में स्पेंड करता है, एक मदर के साथ में, फादर से ज़्यादा मदर के साथ में करता है। तो मदर कैसे सोचती है, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, वो बहुत मैटर करता है। इसके बाद में एक पेरेंटल, यानी कि जब कोई माँ या माँ बाप बनने वाले होते हैं, किसी बच्चे को जन्म देने वाले होते हैं, तो जब कोई बच्चा दुनिया में आने वाला, आपको लगता है कि जब बच्चा पेट से बाहर आ जाता है, इस जीवन में आ जाता है, तब सारी चीज़ें होती हैं। अकॉर्डिंग टू मी जब बच्चे के अंदर जो फिफ्थ मंथ होता है एक प्रेगनेंसी का, जब एक सोल एंटर करती है, उस समय ही बच्चा सीखना स्टार्ट कर देता है। सीखना कैसे स्टार्ट करता है, आप किस तरह की बात कर रहे हो, आप कितने पॉजिटिव हो, आप अपने बच्चे को कितना किस हिसाब से गाइड करना चाहते हो, बहुत सारी चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें वो क्लिक करना स्टार्ट कर देता है। ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए हमारी एक थेरेपी रहती है पास्ट लाइफ रिग्रेशन की, और जो एक चिल्ड्रन का साथ में जो गलत चीज़ें हुई होती हैं उसको करने के लिए। तो जब हम एक पूरे थेरेपी के अंदर जाते हैं तो उस थेरेपी के माध्यम से पता लगता है कि बच्चा उस समय में कैसा फील करता है। आप आपके पेट के अंदर वो बच्चा है और आप खाना खा रहे हो, खाना खाते समय आपके क्या थॉट प्रोसेस है, वो भी थॉट प्रोसेस सारे वो बच्चा जानता है। आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो वो भी बच्चा जानता है। इसमें एक बात और बताऊँ, आप दिन का समय है या रात में कोई भी समय है, सपोज करो कि आप प्रेगनेंसी में हो और उसके बाद में कुछ सेक्सुअली आप बात करना चाह रहे हो या इस तरह से कुछ करना चाह रहे हो या संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हो, एक एग्जांपल के लिए तौर पर बता रहा हूँ, तो बच्चे को वो भी पता लगता है और बच्चा बहुत मैच्योरली उसके हिसाब से उनको सारी चीज़ें करता है। लेकिन हमेशा की तरह जैसे मैंने बताया कि वो सीखने की कोशिश करता है, उसको नहीं पता है क्या सही है क्या गलत है, वो आपसे ही सीखता है, वो कोरा चिट्टा है और आप जैसे सिखाओगे सीखता जाता है। इसके बाद में ये आएगा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस हम सीखते हैं कि सपोज करो कि आप कहीं किसी चीज़ हिल पर जा रहे थे, एक बार आप गिर गए, तो गिरने के बाद में क्या है वो फियर बन जाएगा और जब आप दूसरी बार वहाँ पर कोशिश नहीं करोगे, तो उस एक्सपीरियंस को हील कराने की ज़रूरत होती है कि नहीं 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 आप यहाँ पर जा सकते थे, इस तरह से जा सकते थे, तो आपको इस तरह से चीज़ों को हील कराने की ज़रूरत होती है। तो ये भी एक डर होता है, सर्कमस्टेंसेस बनते हैं चीज़ों को ख़राब करने के लिए। इसके बाद में पीयर इन्फ्लुएंस, तो जो हमारे आसपास लोग रहते हैं या बहुत सारे यार दोस्त रहते हैं, उनसे भी ये बहुत बड़ा सिरदर्दी पैदा होती है। पीयर का एक प्रॉपर मीनिंग अगर मैं बताऊं तो मैं ट्रांसलेट कर लेता हूं, ये मीनिंग मेरे बाहर है लेकिन जहां तक मुझे लगता है जो मैंने बताया वही होगा। एक बार कर लेता हूं, मुझे, मैं छोटा सा बच्चा हूँ, मुझे सीखना आएगा, वही जो फ्रेंड्स मैंने बोला सम, एक हिंदी मीनिंग है इसका, तो मुझे वो नहीं पता था। समूह कह लो, ग्रुप कह लो, या साथी जो व्यक्ति होते हैं उनके हिसाब से
जो पीयर इन्फ्लुएंसर होते हैं, जैसे कि सपोज करो कि आपके आउट ऑफ 100 50 मार्क्स आ गए और दूसरे के 60 आ गए और तीसरे के 70 आ गए, चौथे के 80 आ गए, तो सबके अंदर एक फियर सा पैदा हो जाएगा। और जो भैया 50 वाला हो वो तो ये सोचेगा भाई मुझे बचाओ, ये तो मुझे बोल बोल के मार देंगे, वो तो उससे कंपेयर कर रहा है, वो उससे कंपेयर कर रहा है। जो कंपेरिजन होती है, जो इस तरह के एक कॉम्प्लेक्स पैदा होते हैं ना, उसकी वजह से एक इस तरह की प्रोग्रामिंग हम कर लेते हैं और वो ना चाहते हुए भी आगे वो बहुत ज़्यादा ट्रेवल करता है, बहुत परेशान करता है। इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट है कल्चर। देखिए आपने देखा होगा कई कल्चर में ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आज बच्चे अपनी जान देने से भी नहीं डरते, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनको इस तरह से प्रोग्राम करा गया है कि वो रेडी हैं अपनी जान भी देने के लिए। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट ऐसा कर दिया, वो उनको कोई दिक्कत ही नहीं होती, उनको फील ही नहीं है, उनको बस एक चीज़ बता दी कि ये तेरा टारगेट है, अगर ऐसा करेगा तो ऐसा होगा। लेकिन वो गलत है, वो हमें अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश करनी चाहिए, एक राइट वे में एक अच्छे एनवायरनमेंट में उनको इन्फ्लुएंस करना चाहिए ताकि उनको आगे चल के दिक्कत ना हो। नहीं तो आज जो आधे से ज़्यादा जो दुनिया परेशान है उसकी वजह सिर्फ इतनी ही है। इसके बाद में जेंडर, देखिए आपने देखा होगा, मैंने अपने यहाँ पर खुद देखा है, बहुत क्लोजली मॉनिटर करा है। अगर किसी के घर में लड़का पैदा हो गया, या मजेक बात बताऊंगा, तो उसको बहुत ब्लेस समझा जाता है, और अगर कोई लड़की पैदा होगी तो उसको एक हीन भावना से देखा जाता है। शायद ये स्थिति अभी कम हो रही है क्योंकि चीजें अभी बदल रही हैं। मैं थोड़ा पानी ले लेता हूँ। तो अभी चीजें क्या हैं, बदल रही हैं, बट पहले ऐसा नहीं था। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लड़की होना एक पाप की तरह समझा जाता था, बट ऐसा नहीं है। अब ये कैसा होता है, इसको डीप में अगर मिले जाकर देखूं, सपोज करो कि आप प्लान कर रहे हो एक बच्चे के लिए और आपने संबंध बनाए, सेक्स किया, उसके बाद में बच्चा प्रोसेस भी हो गया और उसमें सोल भी आई और आगे से जो भी लिखित है या कैसे भी कह लो, जो भी आपको सही लगा, वो लड़की पैदा हो रही है, यानी कि लड़की है पेट के अंदर, तो आप बात करोगे, एक स्वाभाविक है, पिता कहेगा लड़की होनी चाहिए और माता कहेगी एक लड़का होना चाहिए, तो एक हेल्दी वे में अगर जहाँ हम डिस्कशन करते हैं तो उस बच्चे को भी अच्छा लगता है। अब ये मत कहना कि तुझे कैसा पता, तो मुझे पता है क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस किए हैं अपने क्लाइंट के साथ में, तो उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो बच्चा उसको एक हेल्दी वे में लेता, लेकिन जब एक पेरेंट्स ये कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो बेटा ही चाहिए, लड़की होना यहाँ पर ऐसा है वैसा है, तो देखिए मैं ये चीज़ें थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल होती है, मैं इसको शेयर नहीं करना चाहता जल्दी से। क्या होता है कि उस समय सोल डिसाइड कर लेती है उसी समय कि मेरा तो यहाँ तो जीवन नाश हो जाएगा, तो उसके लिए उसको चाहे आगे कितनी भी परीक्षा देनी पड़े, बट वो वहाँ से उस पेट से उस गर्भ से निकल कर चली जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे मृत पैदा होते हैं, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन अगर हम स्पिरिचुअली या जो ये सारी साइंस है इसको समझा जाए तो इस तरह से होता है कि वो सोल पीछे हट जाती है क्योंकि वो आपकी वजह रहती है। कभी भी हमें कोई भी जेंडर होना चाहिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, चाहे इसके अलावा कुछ भी हो, चाहे आजकल तो गे भी हैं, सीमेल भी है, कुछ भी है, जो भी आपने प्रोड्यूस कर रहे हो, जो भी आप कोशिश कर रहे हो और जो ईश्वर आपको नवाज रहा है उसको हक से लेना चाहिए। देखिए हर चीज़ के पीछे एक मीनिंग है, मीनिंगलेस यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बस हमें ऐसा लगता है कि दूसरे को कंपेयर करके वो ऐसा है तो हम ऐसे क्यों नहीं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, वो वैसा है तो इसका मतलब वो नहीं है कि वो ग्रेट है, वो बस डिफरेंट है, आपसे डिफरेंट है। अगर कोई आज 500 करोड़ रुपए कमा रहे हो और आप 5000 भी नहीं कमा पा रहे हो तो वो ग्रेट नहीं है, आप उसको ग्रेट मत समझो, सिर्फ वो उस चीज़ के लिए ऐसा है, बहुत सारी चीज़ों में आपसे कमजोर हो सकता है। तो कंपेरिजन नहीं करनी चाहिए और हमें अच्छे से इन्फ्लुएंस बनना चाहिए, इन्फ्लुएंस करना चाहिए चाहे, और वो छोटे लेवल से करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद में कल्चर का तो मैंने बता ही दिया, जेंडर का आपको अभी मैं बता ही रहा था, तो ये तो थे टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस होता है। और एनवायरमेंटल से अगर मैं बात करूं, जो बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे एनवायरमेंट का मतलब जो पर्यावरण जो रहता है उसकी भी मैं बात करूं, तो आप देख सकते हो, आप एक सारी चीज़ें कड़ाके की धूप में बैठ के सीखना और आप एक अच्छे बगीचे में बैठ के सीखोगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। एक थोड़ी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात कर रहा हूँ, बट समझ लीजिएगा इसके पीछे क्या मतलब है। इसके बाद में ये देखो, जैसा पीर वाला हम बात कर रहे थे कि आपका ग्रुप कैसा है, इसमें निगेटिव पर्सन है, कुछ चुप्पार हैं जिनको स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं होता, एक जैसा ये जिस पर मैं कर्सर कर रहा हूँ ये मुझे गुस्से वाला लग रहा है एक ग्रुप में, तो हो सकता है इस पर्सन को जहाँ पर मैं इन दोनों पर माउस घुमा रहा हूँ सोचने समझने की कोशिश करना गुस्सा कर रहे हो। तो ये देखो, ये बच्ची ने अपने मुँह पर हाथ रख लिया, ये देखो ये कैसे रिएक्शन दे रहे, बस चुप,
कुछ करेंगे नहीं, तो इनके अंदर एक प्रोग्रामिंग हो रही है, इसके ऊपर ये कैसे रिएक्ट कर रहा है उस तरह की प्रोग्रामिंग हो रही है, ये अपने हिसाब से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और इसकी अपनी एक अपनी इंडिविजुअल है। तो जो हमारा समूह है, हमारा जो ग्रुप है, जो समकक्ष लोग हैं हमारे, वो मैटर करता है कि वो किस तरह के हैं। अगर निगेटिव होंगे तो आपकी प्रोग्रामिंग उसी तरह से होगी और वो आपके ऊपर बहुत दिक्कतें होने वाली हैं। तो हमें इस चीज़ को सही करना है। तो जैसा आज हमारा टॉपिक है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कैसे रीप्रोग्राम करें। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, उसका पहला स्टेप जो है वो है हमारा एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसर जो है, जो इन्फ्लुएंस होते हैं वहाँ पर, कैसे हमारे पेरेंट्स के द्वारा, हमारे भाई बहन के द्वारा और सगे संबंधित के द्वारा, वहाँ का कल्चर उसके द्वारा, वहाँ पर रिलीजन कैसे फॉलो किया जाता उसके द्वारा, वहाँ पर जेंडर को कैसा देखा जाता उसके द्वारा, इन सारी चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है, जो हम कर सकते हैं। दुनिया को चेंज करने के नहीं बोल रहा हूँ, हम एक इंडिविजुअल अपने लेवल पर चेंज कर सकते हैं और अपने थॉट बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। अगले वाले जो स्टेप आएगा उसमें मैं और ज़्यादा डिस्कस करूँगा थॉट के ऊपर कि ये कैसे इम्पैक्ट करता है, बट अभी के लिए हम इस तरह से कर सकते हैं। तो आपको ये समझना है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जी बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी विजुलाइजेशन ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आप समझ ही नहीं सकते। तो ये विजुलाइजेशन का मतलब है, ये देखो ये शरीर है, मतलब दिमाग है एक व्यक्ति का, और यहाँ पे विजुलाइज कर रहा। विजुलाइजेशन का मतलब अगर आप रीप्रोग्रामिंग के लिए करो तो ऐसा कर सकते हैं कि सपोज करो कि आप एक घर लेना चाहते हो या आप कुछ सोच रहे हो। चलो एक स्लाइड चला देता हूँ तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी, अच्छा लगेगा। तो ये स्लाइड बन रही है, देखो ये एक अच्छी सी फैमिली है और यही फैमिली होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम मौका दे रहे हैं यहाँ पर पृथ्वी को, पृथ्वी पे, और पृथ्वी का जो प्रकृति है उसके साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। तो सोचो ये मम्मी है, ये उनकी बेटी है, ये उनका बेटा है, ये उनके पतिदेव है। तो इनकी इच्छा है कि मैं कार लूँ, इनकी इच्छा है मैं साइकिल लूँ, इनकी इच्छा है मुझे एक डॉल मिल जाए, और हमेशा जैसा आप सब जानते हो मम्मी की इच्छा है एक मेरा अपना घर हो। तो सबकी इच्छा इस फोटोग्राफ में आपको दिख रही होगी। अब मजे की बात क्या है कि इनके पास में ये सारी चीज़ें नहीं हैं। तो यहाँ पर मैं इस कॉन्टेक्स्ट में आपको बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ वो समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो कार है, इस पर्सन को, इनके पति देव को ये सोचना चाहिए कि ये कार मेरे पास में है, आ रही है, मुझे दिख रही है, और इतने अच्छे से विजुलाइज करना चाहिए कि मैं इतने अच्छे से श्योर होना चाहिए कि ये कार मुझे मिल जाएगी। इसी के साथ में बच्चे आपने देखा होगा रोते रहते हैं, नहीं मुझे साइकिल दिला दो, मुझे साइकिल दिला दो, मुझे साइकिल दिला दो। तो इस बच्चे को भी विजुलाइज करना चाहिए कि मेरे पास में साइकिल है, आ रही है, मिल गई है, मैं उस पर भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, और इनको अपनी कार पे इस तरह से करना चाहिए। इस बच्चे को सोचना चाहिए, इसकी प्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं कि हाँ मेरे पास में दुनिया की सबसे अच्छी डॉल है और वो मुझे मिल रही है, कितना अच्छा दिख रहा है। आप ऐसे थॉट क्रिएट करके देखो, ये वीडियो अभी देखते समय आपके अंदर से ऐसी फील आएगी कि यू कांट बिलीव कि सच में इतना अच्छा लगता है, आपके अंदर से एक एनर्जी निकलेगी। अब करके देखोगे तो पता चलेगा। अब ये हम बात करते हैं मम्मी जी पे। मम्मी जी को जैसे मैंने बताया, वो चाहती हैं कि एक अच्छा सा ब्यूटीफुल सा पीसफुल एक हमें घर चाहिए, और उसके घर के अंदर जो मेरे जो सगे संबंधित हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे पति हैं, और हम मिलकर एक संयुक्त परिवार के साथ में अच्छे से अपनी लाइफ स्पेंड कर सके। तो इसके लिए क्या है, हमारी मम्मी जी को ये जो है इनको विजुलाइज करना है कि मेरा घर देखो कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा है, सिर्फ पॉजिटिव नोट। अब यहाँ पे मजे की बात अब आती है, वो क्या है कि आप में से बहुत पर्सन ऐसे हैं, अगर मैं जाके भी कहूँ, आप सोचो कि आपका घर 50 करोड़ रुपए का है आपका। अब ये मैं सोचना, मैं मटेरियलिस्टिक बात कर रहा हूँ, मैं मेरा कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करो, बस समझा रहा हूँ ताकि आपको जल्द से जल्द समझ में आ जाए, क्योंकि पिक्चर के द्वारा हम जल्दी अपने माइंड पर काम करते हैं और उसको जल्दी और ज़्यादा समय तक उसको याद रखते हैं। तो सोचो कि कोई पर्सन है, मैं उनसे जाके मिल रहा हूँ, उनसे कहता हूँ कि सोचो आपका 5 करोड़ का घर है, 1 करोड़ की BMW कार है उसमें, और भैया बहुत एक्सपेंसिव साइकिल है, और हमारे बच्चे के पास में तमाम दुनिया भर की डॉल्स और जो खिलौने होते हैं वो हैं उसके पास में। आप में से बहुत सारे लोग ये कह देंगे कि कहाँ हमारे पास में कैसा हो सकता है, मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा वो नहीं दे रहा हूँ, हालांकि वो डिफरेंस नहीं करता, बट मेरे भाव अंदर क्या है वो मैटर करते हैं। मेरे भाव हैं क्या आपका एग्जाम्पल देने के,
हाँ हमारे पास में क्यों कार हो सकती है, हम तो छोटे से लोग हैं, हम तो वैसे लोग हैं, नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल, घर बनाने में इतने रुपए लगते हैं, कहाँ से आएंगे, हमारे पास तो पैसे नहीं। इस तरह की बात करेंगे, नेगेटिव ही करेंगे। नेगेटिव वो 24 घंटे में से जब तक वो जागते हैं तब तक बात कर लेंगे, लेकिन पॉजिटिव नहीं करेंगे। और जब तक वो नेगेटिव करेंगे तो देखिए सबकॉन्शियस माइंड भी कहेगा कि बेटा तू ही तो मुझे आदेश दे रहा है, मैं वही सोचूंगा। तो आपको अपने हिसाब से इसको प्रोग्रामिंग करनी है। और जो आज मैं प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ, रीप्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ, तो आज से ही आपको इस तरह के स्टेप लेने स्टार्ट कर देने चाहिए कि विजुलाइज करने की जो क्षमता है आपको वो बढ़ा लेनी चाहिए। बहुत अच्छे से विजुलाइज करो कि चीजें अभी मेरे पास में आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं चीजें। अगर मैंने गाड़ी लेने की सोची, देखो मैं अपनी एक लाइफ से मैं ज्यादा एग्जाम्पल नहीं देना चाहता क्योंकि थोड़ा पर्सनल हो जाता है, बट बताता हूँ। कुछ समय पहले मैं गाड़ी चलाते हुए, बाइक चलाते हुए हिचकिचाता था और मैं सोचता था कि मैं आगे टक्कर मार दूंगा और इतना सारा ट्रैफिक रहता है कैसे होगा। बट मेरे अंदर से मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक ताकत दी। ताकत कैसे दी? विश्वास दिलाया खुद को, सबकॉन्शियस माइंड को, मैं चला लूंगा, मैं कर लूंगा, कर लूंगा, कर लूंगा। और आज मैं इतने अच्छे से ड्राइविंग करता हूं कि मेरे जो साथ में साथी हैं वो उनको पता है। और वो सिर्फ इसी वजह से हो पाया क्योंकि मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करा उसी तरह से कि हो सकता है, क्यों नहीं होगा, मैं करके दिखाऊंगा, बिल्कुल करके दिखाऊंगा। इसके बीच में हो सकता है कि आपको चोट लग जाए, थोड़ा बहुत ऐसा हो जाए कि किसी से गाली सुनने को मिल जाए, बट आप प्रोसेस में हो, आप पॉजिटिवली उसको लेकर चलो। तो इस तरह से वीडियो के अंत में हमारी जो स्लाइड है वो खत्म हो जाएगी। तो मैंने ज्यादा पॉइंट नहीं रखे हैं, सिर्फ ज्यादा यही कम पॉइंट रखे हैं आपको बताने के लिए, समझाने के लिए कि देखिए रीप्रोग्राम करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये जो दो तरीके मैंने लिए हैं, एक तो जो आपके एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस का रहता है और दूसरा विजुलाइजेशन का रहता है, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इनके ही द्वारा आप बूढ़े होते हो, इनके द्वारा आप जवान बन सकते हो, इनके द्वारा आप गरीब बन सकते हो। देखिए कर्म वाली बात अभी लेके मत आना कि नेचर में आप कैसे करते, वो चाहता है। यहाँ पे बहुत सारी दुनिया, अभी मैंने ये वीडियो बनाई, बहुत सारी आप में से ऐसी दुनिया होगी इस पे यकीन ही नहीं करेगी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि उसकी ब्लॉकेज अटकी हुई है। जब वो ब्लॉकेज अटकी हुई है तो वहाँ पे फ्रूटफुल उसको मिल ही नहीं सकता। लेकिन जो आप में से भी कोई है, जो लोग डिजर्व करते हैं, जिन लोगों के साथ में ऐसा होना चाहिए, तो आप इस चीज को, इस वीडियो को गहराई से समझो, अपने सबकॉन्शियस माइंड में समझने की कोशिश करो। अब मैं कुछ एक दो ट्रिक बताता हूँ कि अगर आपको ऐसे भी ट्रस्ट नहीं हो रहा तो आप क्या कर सकते हो। डेली 5 5 मिनट के लिए अपना आपके साथ में शेयर करूंगा। 1 सेकंड, और क्या शेयर करूंगा वो सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैं अपने इसको फ्रेम को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको दिख सकूँ मैं अच्छे से। जी तो जैसे मैंने कहा कि आपको कैसे कुछ करना है, ऐसे लो ये जो गुद्दी होती है ना, ये जो बाल है आपके, अगर देख रहे हैं तो ये वाले बाल, यहाँ पे एक हाथ रखो, यहाँ पे एक हाथ रखो और अच्छे से दबाओ। दबाने के बाद में इस तरह से बात करो और सोचो, जैसे ही आपकी सुबह होती है तो आपको एक बधाई जैसे मैसेज आने चाहिए कि हाँ आज मेरे दोस्त के साथ में इतना अच्छा काम हो गया। उनके कोई, अगर आपको किसी के बच्चे पैदा होने से खुशी होती है तो इस तरह से सोच सकते हैं। अब उसके विपरीत ये मत सोच लेना हमारे नहीं हो रहे, उसका अच्छा है, मेरा बुरा है, इस तरह से नहीं। सिर्फ पॉजिटिव, आज आपकी सैलरी में 10% इंक्रीमेंट हो गया, झूठ नहीं बोलना, इमेजिन करके देखो, विजुलाइज करके देखो। और यहाँ दबा के, ये जो मैंने बताया ना, एक यहाँ पे दबा के रखने की कोशिश करके करो। यहाँ पे क्या है, वो पार्ट है, इसको मैं साइंटिफिकली अगर बोलूँ तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट समझ लो कि एक सेंटर है जहाँ से हम इसको अच्छे से जो हम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। एक कॉन्सेंट्रेशन के साथ में कह लो, एक प्रॉपर वे में कहूँ तो इजिली कनेक्ट कर सकते हैं विजुलाइजेशन के साथ में। तो इस तरह से करके यहाँ पे दबा के, और ये सेंटर बहुत अच्छे हैं, इनके बारे में आप डीप में भी पढ़ सकते हो, बट मैं बस आपको बता रहा हूँ। ये तरह से दबाओ और दबाने के बाद में एक अकेला अपना रूम ले लो, कहीं अकेले बैठे हो, उस तरह से दबाने के साथ में बोलो सारी पॉजिटिव चीजें। सपोज करो कि आप एक बगीचे में बैठे हो, आपके हाथ में एक पेपर है, बोलना नहीं है किसी से कुछ भी, समझ लो कभी बुद्धों की तरह करने लगो, सिर्फ बगीचे में बैठे हो और बैठने के साथ में एक पेपर लेना है, वाइट पेपर जैसा भी आपको यहाँ पे दिख रहा, और उस वाइट पेपर में जो आपका सबसे पसंदीदा कलर है, मेरा येलो है, ये येलो हमारे डिवाइन अंश में देख रहे हो आप, काफी है। तो
तो मेरा येलो है, आप अपने पसंद का ले लो और उसको पेपर को रंगो। रंगने के बाद में ऊपर से बनाओ, आपके चेहरे की कलियां खिल जाएंगी। बस आप विजुलाइज करके देखो, आप ऐसा कर रहे हो, उसके साथ में लिखो नीचे, दिस इज माई ब्यूटिफुल माइंड, दिस इज माई ब्यूटिफुल हाउस, दिस इज माई ब्यूटिफुल हस्बैंड और वाइफ, दिस इज माई ब्यूटिफुल रिलेशन, दिस इज माई ब्यूटिफुल दिस, सो एंड सो। जो भी आप प्राप्त करना चाहते हो, जो भी आप एक होप रखते हो अपनी इस लाइफ से कि मैं अचीव कर लूँ, उन सारी चीज़ों को उसमें विजुलाइज करके लिखते जाओ। देखो यहाँ पर लिखने का कुछ पैसा नहीं जा रहा है, आपको कुछ भी नहीं लाना। बैठ के ऐसे पकड़ लो, नहीं पकड़ सकते ऐसे बैठ जाओ, कॉन्सेंट्रेट करो, सूरज के सामने बैठ जाओ सुबह को 9 बजे और कॉन्सेंट्रेट ये करो कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं, मैं विजुलाइज कर रही हूँ, कर रहा हूँ कि मेरा बहुत अच्छा बच्चे हैं, मेरे बहुत अच्छे पति हैं। आप में से मैं बीच बीच में बस बात काट रहा हूँ अपनी ही, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं, मेरे रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे, मेरे ऐसे नहीं चल रहे, और आप इस चीज़ को इग्नोर कर देते हो कि आपने ही खराब कर रहे हो, और उन सब की वजह सिर्फ आप ही हो और कोई भी नहीं, आप ही दुश्मन हो। मैं बताऊंगा किसी और वीडियो में, ये तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा, 35-36 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है, तो बस लास्ट स्टेप पे ये बता रहा हूँ कि इस तरह से विजुलाइज करो, आप बगीचे में बैठे हो जैसे पहले बताया, और अच्छी अच्छी चीज़ें जितने भी आप उतार सकते हो, जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, कर सकते हो, आपको ऐसा लगता है, सब कुछ उतार के उसमें रख दो कि हाँ ऐसा होगा, मेरा एक अच्छा खूबसूरत घर बन गया है जिसमें इतने बेडरूम होंगे, इतनी सारी चीज़ होगी, ये होगा। अगर आपको घर ज़्यादा पसंद करता है, अट्रैक्ट होते हो कि मुझे एक अच्छा सा घर चाहिए, जैसा अब मैं क्या अट्रैक्ट करता हूँ, सबकॉन्शियस माइंड से, इस यूनिवर्स से, वो मैं अट्रैक्ट करता हूँ कि मेरे पास में एक ऐसा सेंटर होना चाहिए कि जहाँ मेरे साथ में जो कम्युनिटी, जो आप लोग हो, वो जुड़ें और वहाँ पर आएँ, अपने आप को हील करें, उस वहाँ पर जो एंजल्स हैं वो उनसे मिलें, उनको आशीर्वाद दें, ब्लेस करें उनको, उनकी दिक्कतों से छुटकारा पाएं। मेरा ऐसा मानना है और मैं उसके लिए कर रहा हूँ, और दिन पे दिन मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, हम आगे बढ़ रहे हैं इस बीच में, आप सबके सहयोग से, उस परमेश्वर से, प्रकृति की मदद से, सब हमारे साथ में रह कर हम आगे बढ़ा रहे हैं। ट्रस्ट मी, आगे बढ़ रहे हैं, आप भी बढ़ोगे। बस अपने आप को इस तरह से मैनिफेस्ट करो, अफर्मेशन दो, अपने आप में इतनी अच्छी विजुलाइजेशन दो, बहुत अच्छी, ताकि हो जाएगा, बिल्कुल ईजिली हो जाएगा। एक लास्ट में एक बात और बताता हूँ, देखिए आप अपने अभी बिल्डिंग से जहाँ पे हो, घर पे हो, वहाँ से बाहर जाइए, ऊपर देखो, आपको एक ब्रह्मांड नज़र आएगा, आकाश ही आकाश नज़र आएगा। तो एक तो वो आकाश है जो आपको दिख रहा है, एक इतना ही या यूँ कहूँ कि इससे बड़ा आकाश है, लेकिन वो क्या है, फिजिकल फॉर्म में नहीं है, वो क्या है, सिर्फ एक फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस के फॉर्म में है, वो आपके अंदर है, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है, पूरा संपूर्ण इससे भी बहुत बड़ा आकाश है, लेकिन हम क्या है, उसमें तैरना नहीं चाहते, उसको समझना नहीं चाहते, उसको पढ़ना नहीं चाहते, उसको हमेशा जितनी भी आपकी एज है तब से हम इग्नोर करते आ रहे हैं। तो अब ये इग्नोर करने का टाइम नहीं है, अभी है अब एक दिन का टाइम, सो शुरू हो जाओ दोस्तों। और आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, अगर ये सेशन ने आपको कोई भी नई जानकारी दी हो, आपकी कोई मदद करी हो, तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, सपोर्ट तो बनता है यारो, इतना मेहनत करता हूँ, ये सारी चीज़ करता हूँ, और बहुत सारे लोगों की जो भी कंप्लेंट्स हैं, जो भी शिकायतें हैं कि लाइव नहीं आता, जल्दी नहीं आता, आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं देता, धीरे धीरे करके जैसे पहले से बोलता रहा सॉल्व करेंगे, और भी बहुत सारे कॉन्टेंट आने वाले हैं, आई एम वर्किंग ऑन इट, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो देखिए हमारी कुछ दो बुक्स थी जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और क्यों इंपॉर्टेंट है उनके पीछे की भी मैं आपको वजह बताऊंगा, जो आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा। देखिए हमारी दो बुक्स हैं, एक है प्योर स्पिरिचुअलिटी, एक है अवेकन सोल। आपको नाम नहीं दिखेगा क्योंकि फ्रंट कैमरे से मैं शूट कर रहा हूँ तो उल्टा दिखेगा, लेकिन हाँ ये दोनों बुक्स जो है एक स्पिरिचुअल बुक है, जो आप लोग अक्सर खोजते रहते हैं ना कि सर हमें कोई स्पिरिचुअल बुक बताओ, तो उसी के लिए मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये बुक क्यों है, कैसे है, आप ये भी जानना चाहते होगे तो भी मैं आपको बता देता हूँ। प्योर स्पिरिचुअलिटी जो बुक है वो रिलेटेड है कि आपको जो जन्म से एक अंधकार में रखने की या ऐसी ट्रेनिंग देने का जो प्रोसेस चलता है, हमारे कल्चर्स है, हमारे घर से, या जो भी आपके अंदर मिलावट करते हैं, और मिलावट करने के बाद में आपको एक समय अपने आप में ठगा से महसूस करते हो कि मेरे साथ में हुआ क्या, मैंने लाइफ में आके करा क्या, तो उस जो ठगपन को उसे दूर करने के लिए जो प्योर स्पिरिचुअलिटी बुक है वो आपके हेल्प करती है, ताकि जो आप अंधकार में जी रहे थे उससे निकल कर आप प्रकाशीय चीज़ों में आ सको, जो एक प्रोसेस है उसमें आ सको, नेचर आपसे क्या चाहता है, आपका लाइफ पर्पस क्या है, क्या रिलीजियस होने के कारण आप क्या क्या कर रहे हो, क्या क्या खो रहे हो,
और जो स्पिरिचुअलिटी में अगर आप आ सकते हो, क्या क्या प्राप्त कर सकते हो और किन किन चीजों से हट सकते हो जो आपको अंधकार में लेके जा सकती है, इस चीज का सारा ज्ञात ज्ञान ये बुक कराएगी आपको, पूरा ज्ञान ही आपको बना देगी, स्पिरिचुअल लेवल से जो आज आपका लेवल है उससे आपको अपग्रेड कर देगी। ये बुक कोई भी रेफर कर सकता है, चाहे आपकी जर्नी अभी स्टार्ट हो रही हो चाहे हो चुकी हो, क्योंकि इसमें इतने अच्छे से समझाया गया है जैसे कि आपकी एक व्हाट्सएप पे अपनी लैंग्वेज यूज करते हैं अपने परिजनों की तरह, परिजनों के साथ में, उस हिसाब से जब हम ये सारी चैटिंग करते हैं, बात करते हैं, तो उसी लैंग्वेज को मैंने इसमें डाला है ताकि आप बोर फील ना करो, आपको ग्रंथ के ग्रंथ ना लगे कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहे, तो बहुत सिंपलीफाइड करके लिखा हुआ है, विद पिक्चर मैंने इसमें समझाने की कोशिश करी है। इसके बाद मैं बात करता हूँ, एक हमारी बुक है जो दूसरी है अवेकन सोल। अगर मैं इनकी बात करूँ तो अवेकन सोल इस तरह का काम करती है, ठीक है, आप अंधकार से तो यहाँ पर आ चुके हो, अंधकार से आने के बाद में अब आप जियोगे कैसे, चलो स्पिरिचुअलिटी का लेवल तो आ गया, अब आप अवेकन कैसे होगे, अपने आप को समर्पण कैसे करोगे, इच्छाओं को कैसे काबू में करोगे, मेडिटेशन क्या मतलब सच में वर्कआउट करता है या सिर्फ जो चौंचड़े सिखाए जा रहे हैं इस हिसाब से होता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सोल कैसे जन्म लेती है इसके बारे में, सोल हमारा पर्पस क्या है, भगवान से हम कैसे बात कर सकते हैं, क्या भगवान जैसा हम सोचते हैं ऐसे ही होते हैं, तमाम तरह की चीजें इसमें दी हुई हैं जो अवेकन करती है, जैसे इस बुक का टाइटल है अवेकन सोल, तो वो तो आपको प्योर स्पिरिचुअलिटी मतलब आपको एक जो लेवल है उससे अपग्रेड करके एडवांस लेवल पे लेके जाती है, और जो ये है अवेकन सोल ये आपको अवेकन करती है, जागृत करती है कि जो जीवन आप जी रहे हो उसमें आप सही भी हो या ऐसे ही हो। तो आई होप कि ये बुक आपका जो कॉन्सेप्ट है दोनों क्लियर हो गया होगा। इसके साथ में मैं अब आपको क्या बताने वाला हूँ कि ये बुक आपको कैसे परचेस करना चाहिए। तो इनको परचेस करने के लिए देखिए अमेजन किंडल ऑलरेडी जो एक सॉफ्ट कॉपी वाला वर्जन है वो अवेलेबल है वहाँ पे। अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर आपको हार्ड फॉर्मेट चाहिए तो आपको सिंपली क्या करना है, हमें व्हाट्सअप करना है, जो हमारा नंबर है 7895591900 पे, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बस उनसे पूछना है कि मुझे आपकी बुक ऑर्डर करनी है। और मैं आपको सजेस्ट करता हूं, जैसे कि मैं पहले भी बोलता रहा हूं कि आप इसको कंबाइंड लीजिए, दोनों बुक को एक साथ में लीजिए, उसमें आपको राहत क्या मिलेगी, देखिए ये दोनों एक बहन की तरह है, एक बड़ी बहन है एक छोटी बहन है, बड़ी बहन अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है, छोटी बहन अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है, लेकिन आप दोनों के बिना नहीं रह सकते, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि दोनों बुक को लीजिए। और इसमें अगर फाइनेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फाइनेंशियली आपको सेव हो जाते हैं कुछ पैसे, जैसे कि जो भी प्राइस है उसमें से 200 रुपये कम से कम आपको सेव हो जाएंगे, और प्लस शिपिंग चार्जेस जो अगर आप बार बार मंगाओगे तो एक बार फिर आपको कोरियर का देना पड़ेगा एक बार फिर, लेकिन इसमें हमने फ्री रखा हुआ है, तो क्योंकि हमारा कमाने का मतलब नहीं है, बस ये मतलब है ताकि आपका जो भी एक अवेकनिंग पर्पस है, जो आप अवेकन होने की कोशिश कर रहे हो उसमें आपको हेल्प मिल जाए। लास्ट में इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि इस बुक से जो भी अर्निंग होगी वो अर्निंग एक ऐसे जगह लगेगी जो बहुत जल्दी मैं आपके साथ में रिवील करने वाला हूँ। एक सेंटर हम बिल्ड कर रहे हैं, वो हम सबका सेंटर रहेगा, और उस सेंटर में जब आप आओगे तो आपकी सारी चीज़ें मतलब अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, बस एक समय आएगा और आप खुद एक्सप्लेन करोगे कि ये क्या है। तो बस ये एक प्रोसेस है, आई होप कि थोड़ा थोड़ा आप हमें सपोर्ट करोगे, और सपोर्ट करके जो भी आउटपुट आपको मिलेगा उसमें आप खुद की मदद करोगे, भगवान की ब्लेसिंग आपको मिलेगी, बस इतना ही चाहता हूँ।